हेलो साथियों, दर्द देना चोट पहुंचाना क्या होता है? हम आपको बताने वाले हैं कि दर्द देना की इंग्लिश क्या होती है, चोट पहुंचाना क्या होता है। उससे पहले मैं आपका वेलकम तो करता चलूं कि आपका मोस्ट वेलकम है गुलाम नबी के साथ में, जिसका चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी। तो आपका होता है पड़ोसी को अगर दर्द पहुँचाना तो अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट नेबर। तो जैसे आप हार्ट कहते हैं, रा को इतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हार्ट नेबर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी वही आने वाला है, हार्टिंग हो जाएगा। तुम्हें पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए तो अंग्रेज़ी में कहा जाएगा यू शुड नॉट हार्ट नेबर। अच्छा, उसने अगर हमें ये कहना है उसने मुझे तकलीफ पहुँचाई थी, ही हर्ट मी, ये पास इंडेफिनिट टेंस का आपका हो जाएगा जो कि अफर्मेटिव है। तो ही हर्ट मी, क्योंकि हर्ट फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म सेम आता है तो यहाँ पर आपका सेकेंड फॉर्म प्रयोग हुआ है। तो उसने मुझे तकलीफ पहुँचाई तो अंग्रेजी में कहेंगे ही हर्ट मी, तुमने मुझे तकलीफ पहुँचाई, यू हर्ट मी। नेक्स्ट हो जाएगा गांव को उन्नति देना, तरक्की देना, तो जो डेवलप करते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रमोट द विलेज। क्या बोलेंगे? प्रमोट द विलेज, कि गवर्नमेंट गाँव को प्रमोट कर रही है, तरक्की दे रही है, तो उसको प्रमोट कहते हैं। सेकेंड फॉर्म प्रमोटेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी प्रमोटेड हो जाएगा, एनी फॉर्म प्रमोटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट गांव को तरक्की दे रही है तो कहेंगे कि द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग द विलेज। अगर गवर्नमेंट गांव को तरक्की दे रही है तो आप कहने वाले हैं, बहुत सारे गांव को तरक्की दे, तो आप बोलने वाले हैं द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग द विलेजेस। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्लास फेलो से झगड़ा करना। आपका सहपाठी होता है जो साथ में पढ़ने वाला होता है, तो उसके साथ अगर झगड़ा करना है कहना है तो अंग्रेजी में कहा जाएगा क्वारल विद क्लास फेलो। क्या कहते हैं? क्वारल। अच्छा, क्वारल और फाइट में डिफरेंस होता है। फाइट मतलब होता है हाथ पर से करते हैं, क्वारल मतलब होता है बस मुंह से झगड़ा कर लेते हैं एक दूसरे को, कहते हैं उसे क्वारल कहा जाता है, जो मुंह से कहा जाए, हाथ पैर से नहीं मारा जाए जिसमें। तो क्वारल विद क्लास फेलो सेकेंड फॉर्म क्वारल्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी क्वारल हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म क्वारलिंग हो जाएगा। तो कहना है कि तुम्हें क्लासमेट से झगड़ा नहीं करना चाहिए तो अंग्रेज़ी में कहा जाएगा यू शुड नॉट क्वारल विद क्लास फेलो। क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट क्वारल विद क्लास फेलो। हाथ उठाना अंग्रेज़ी में कहेंगे रेज द हैंड। क्या बोलेंगे? रेज द हैंड। जैसे क्लास में होता है कुछ आप सवाल पूछना होता है या कुछ होता है तो हाथ को अपना उठाते हैं तो बोलेंगे रेज द हैंड। रेज आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रेज्ड, थर्ड फॉर्म रेज्ड, फोर्थ फॉर्म रेजिंग हो जाएगा। जैसे कहना है कल मैंने हाथ उठाया था तो कहेंगे आई रेज्ड द हैंड स्टडी। तो कल किसी चीज़ के लिए आपने हाथ उठाया था तो आपने कहा आई रेज्ड द हैंड स्टडी, कल मैंने हाथ उठाया था। बैंक लूटना या बैंक में डाका डालना की अंग्रेजी होती है रॉब द बैंक। क्या होता है? रॉब द बैंक, बैंक लूटना या बैंक में डाका डालना। तो ये आपका तो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रॉब्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रॉब्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा रॉबिंग। जैसे कहना है कि मैंने बैंक में डाका नहीं डाला था तो इंग्लिश में कहेंगे आई डिड नॉट रॉब द बैंक। क्या बोलेंगे आप? आई Did not rob the bank, कि मैंने बैंक में डाका नहीं डाला था। नेक्स्ट है नकली आईडी बनाना, तो मेक अ फेक आईडी। नकली आईडी बनाना, जैसे मान लो फेसबुक की आप आईडी बनाते हैं या किसी सोशल मीडिया की आईडी बनाते हैं, तो इस तरह से जो आइडेंटिटी बनाते हैं आपकी जो रॉन्ग होती है, फेक होती है, उसको आप इंग्लिश में कहें मेक अ फेक आईडी। मेक आपका फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म मेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी मेड ही रहता है, आईनी फॉर्म मेकिंग हो जाएगा। तो जैसे कहना है कि गब्बर ने फेक आईडी बनाई थी, इंग्लिश में बोलने वाले हैं गब्बर मेड अ फेक आईडी। क्या बोलेंगे? गब्बर मेड अ फेक आईडी। नेक्स्ट है डरावना, माहौल पैदा करना, तो इंग्लिश में कहते हैं क्रिएट एन ईरी एटमॉस्फियर। क्या बोलेंगे आप? क्रिएट एन ईरी एटमॉस्फियर। क्रिएट का सेकेंड फॉर्म क्रिएटेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी क्रिएटेड ही आता है, आईएनजी फॉर्म क्रिएटिंग हो जाएगा। तो हमने कहा कि गब्बर ने एक डरावना माहौल पैदा कर दिया था, गब्बर क्रिएटेड एन ईरी एटमॉस्फियर। क्या हो जाएगा? गब्बर क्रिएटेड एन ईरी एटमॉस्फियर।
नेक्स्ट वर्ड है सीटी बजाना को विसल कहते हैं। विसल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म विसल, थर्ड फॉर्म विसल, फोर्थ फॉर्म विसलिंग हो जाएगा। जैसे कहना है कि लड़का सीटी बजा रहा था तो आप कहेंगे द बॉय वाज विसलिंग, क्या हो जाएगा द बॉय वाज विसलिंग। अच्छा कुश्ती करना का होता है रेसल होता है, जैसे रेसलर का नाम आपने सुना होगा तो रेसलर मतलब कुश्ती करने वाला, कुश्तीबाज, और रेसल का माना होता है कुश्ती करना होता है। सेकेंड फॉर्म रेसल्ड, थर्ड फॉर्म रेसल्ड, आज फॉर्म रेसलिंग हो जाएगा कुश्ती करना। तो जैसे कहना है कि मैं कुश्ती कर रहा था तो अंग्रेजी में कहा जाएगा आई वॉज रेसलिंग, क्या हो जाएगा आई वॉज रेसलिंग। नेक्स्ट है आपका पड़ोसी को अपराधी ठहराना या मुजरिम ठहराना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं अक्यूज ऑफ नेबर या अक्यूज नेबर भी कहा जाता है। तो अक्यूज मतलब होता है कि पड़ोसी ठहराना या उसको गुनहगार मानना। तो अक्यूज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म अक्यूज्ड, थर्ड फॉर्म अक्यूज्ड और फोर्थ फॉर्म अक्यूजिंग हो जाएगा। तो हमने कहा कि वो पड़ोसी को अपराधी ठहरा रहा था, ही वॉज अक्यूजिंग ऑफ नेबर, तो वो अक्यूज कर रहा था कि वो पड़ोसी को कि वो अपराधी है। सो इसी के साथ में इस वर्ब की वीडियो को एंड करते हैं, एंड मुझे उम्मीद है इसमें आपको कुछ नए वर्ब भी मिले होंगे। तो ऐसा लगता है कि कुछ हमें सीखने को मिला है, तो दोस्तों इस आप वीडियो को प्रमोट करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डियर व्यूअर्स।